हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद आ रही है, तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी एक ईद मेकअप लुक जो कि आप वेयर कर सकते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना फेस ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर रखा है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे प्राइमर। हम अपने फेस पर प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर लगाते हैं जिससे कि हमारे जो पोर्स हैं फेस पर, ये सब बंद हो जाए। प्राइमर लगा लिए है और इसके बाद हम लगाएंगे वो फाउंडेशन। मैं ये मेबलिन का फिट मी इन द शेड 20 मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ। इसको मैं अपने हाथ पर लूँगी। मैं ये थोड़ा सा अमाउंट अपने हाथ पर लूँगी और इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर फैलाऊँगी। ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पर फैलाऊंगी। मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जिसको कि मैंने टैप के नीचे ले जाकर इसको गीला किया है और इसको बहुत अच्छे से स्क्वीज किया है जिससे कि इसमें से कोई पानी बाहर ना आए। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पर फैलाऊंगी। इनको बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। कंसीलर मेबलिन का फिट मी कंसीलर यूज़ करने जा रही हूँ जिसको मैं यूज़ करूँगी अपनी अंडर आई के नीचे जो कि मेरे डार्क सर्कल को कवर करेगा। मैं इसको डॉट डॉट करके लगाऊंगी यहाँ पर और मैं इसको एज अ आई शेडो बेस भी यूज़ करूँगी। तो मैं इसको अपनी आई लिड के ऊपर भी लगाऊंगी। डॉट डॉट करके मैंने फैलाया है और मेरे हल्का सा पिगमेंटेशन यहाँ पर भी है होठों के पास में। सो आई विल यूज इट हियर आल्सो एंड अ लिटिल बिट टू जस्ट हाइड दीज डार्क स्पॉट्स ऑन माय फेस। अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको ब्लेंड करूँगी, बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। हम अंडर आईज के नीचे इसलिए भी लगाते हैं, एक तो हमारे डार्क सर्कल छिप जाएँ और दूसरा कि हमारी आँखें बहुत ब्राइट लगें। ब्राइट दिखाने के लिए भी हम लोग कंसीलर लगाते हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से इसको भी एक डैबिंग मोशन में हमको इसको ब्लेंड करना है। डैबिंग मोशन में ही इसको हमेशा ब्लेंड कीजिए, कभी भी ऐसे रगड़ रगड़ कर नहीं कीजिए, नहीं तो प्रोडक्ट इधर से उधर जाता है। अब मैं इसको एक कॉम्पैक्ट के जरिए इसको पूरा पैक करूँगी। मैं यह यूज़ करने जा रही हूँ मेबलिन का फिट मी जो सेम शेड में है 220 नेचुरल बेज। मैं इसको एक ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी, अपनी अंडर आईज के नीचे जहाँ की मैंने कंसील किया है अभी और बाकी के फेस पर भी। और इसको भी मैं ऐसे डैब 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 करके ही पूरा कॉम्पैक्ट फैलाऊंगी अपने फेस पर। आई मेकअप मैंने आईज आईलिड्स ऑलरेडी कंसील कर ली हैं। सो आई विल स्टार्ट विथ माय आई मेकअप। आई एम यूजिंग दिस निक्स का पैलेट अवे वी ग्लो। आई एम यूजिंग दिस पैलेट। इससे मैं अपना आई मेकअप करूंगी और मैं अपना आई मेकअप बहुत ज्यादा डार्क नहीं करूंगी, मैं अपने आई मेकअप को लाइट ही रखूंगी। सबसे पहले मैं इस वाइट कलर से अपने पूरे आईलिड को पैक कर रही हूँ। मैंने एक व्हाइट कलर से व्हाइट कलर लिया है, मैंने पूरा अपना आईलिड को पैक किया है। नाउ आई विल स्टार्ट विद माय आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश, एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेकर I am taking this brown color to apply it on my crease. This brown color, this one.
मैं थोड़ा सा कलर लूँगी और इसको टैप करेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर चला जाए एंड देन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन माय क्रीज. ऑलवेज होल्ड दिस ब्रश फ्रॉम हेयर जिससे कि आपके लाइट लगे हाथ. इसको मैं बहुत आराम आराम से ऐसे आपकी क्रीज पर लगा रही हूँ. दूसरे आईलिड पर इसको इसी तरह से अपनी क्रीज पर लगाऊंगी. बहुत हमें हल्का हाथ से यूज करना है इसको, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं यूज करेंगे वरना हमारा आई शेडो बहुत फ्लॉलेस नहीं दिखेगा, बहुत पैची दिखेगा. तो मेरी क्रीज पर लगाया है. अब मैं इससे थोड़ा डार्क शेड लूंगी सेम ब्लेंडिंग ब्रश से, थोड़ा सा इससे डार्क शेड ये वाला, और मैं दोबारा से इसको अपनी क्रीज के ऊपर लगाऊंगी. दिस ब्राउन ये थोड़ा लाइट था, इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क लूंगी. इसको मैंने फिर से लिया, हल्का सा डार्क किया और मैं इसको अपने आउटर कॉर्नर्स पर लगाऊंगी और हल्का हल्का इसको फिर ब्लेंड करूंगी. से मैं थोड़ा सा सेम कलर लेकर हल्का सा झाड़ा एंड देन अगेन आई डिपॉजिट ऑन द आउटर कॉर्नर्स एंड आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट विद द सेम फ्लफी ब्रश. आई एम डूइंग द सेम, आई डू इट ऑन द अदर आई आल्सो. आई विल डिपॉजिट सम कलर हियर एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग इट लाइक दिस. हमेशा ये बहुत हल्के हाथ से करना है, कभी भी हमको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं और ज़रा हार्ड हाथ नहीं चलाना है. सो आई हैव डन विद द क्रीज. नाउ आई विल अप्लाई अ गोल्डन कलर. दिस गोल्डन कलर आई एम अप्लाइंग इन द इनर कॉर्नर्स और मैं इसको अपनी उंगली की मदद से लगाऊंगी. सी दिस इज द कलर, गोल्डन कलर है और इसको मैं बहुत हल्के हल्के अपनी आईलिड्स पर इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी. लिया है और मैं इसको बहुत आराम से लगा रही हूँ. दूसरी आईज पर भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी. हम आप इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं बट मुझे अपनी फिंगर काफी कंफर्टेबल लगती है तो मैं अपनी फिंगर की मदद से इसको लगा रही हूँ. इसको मैंने लगा लिया है. ब्रश मैं ये ब्रश लेती हूँ दोबारा से और मैंने ब्राउन कलर जो सबसे पहले मैंने एक लाइट ब्राउन कलर लिया था उसकी मदद से इस सब को एक साथ ब्लेंड करूँगी जिससे कि कुछ भी अलग अलग ना दिखे और सब कुछ एक जैसा दिखे. ऑन द अदर आई आल्सो with my eyeshadow. You can please check it out. मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है, मैंने इसको बहुत लाइट रखा है और इसके बाद हम अपनी आईब्रोज करेंगे. I'll fill my eyebrows. Next, fully done with my eyeshadow. You can please check it out. मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है, मैंने इसको बहुत लाइट रखा है और इसके बाद हम अपनी आईब्रोज करेंगे. आई फिल माय आईब्रोज फुली की मदद से अपनी आईब्रो को पूरा कोम करूंगी. आई कोम माय आईब्रो. और मैंने एक आईब्रो पेंसिल ली है और मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से
बहुत हल्के हाथों से हार्श लाइन नहीं बननी चाहिए एंड आई फिल माय आईब्रोज विद दिस। मेरी आईब्रोज ऑलरेडी काफी डार्क हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको डार्क नहीं करूंगी। आई एम यूजिंग अ पेंसिल बट यू कैन यूज आईब्रो पाउडर और वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स और फिलिंग दिस आईब्रोज। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी और मैं ये वाला पार्ट बहुत बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ क्योंकि ये अगर मैं इसको डार्क करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा फेक लगेगा, ये नेचुरल नहीं लगेगा। सो ओनली दिस मच। अब मैंने इतना आईब्रो का अपना किया है और इसके बाद मैं एक बार दोबारा से इसको स्पूली की मदद से इसको कोम करूँगी जिससे कि प्रोडक्ट कहीं भी एक्स्ट्रा है तो वो खुद से फैल जाएगा। इसके बाद मैं ब्लश लगाऊंगी जिसके लिए ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ शुगर का कंटूर D404 सैल्मन सुपरस्टार। मैं ये ब्लश लूंगी, मैं इसको लगाऊंगी एक फ्लफी ब्रश की मदद से, ये फ्लफी ब्रश है, मैं हल्का सा लूंगी झाड़ूंगी एंड देन कंटूरिंग के लिए मैं बहुत हल्का लूंगी कंटूर जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फेस पैलेट 01 सटल समिट। मैं इसमें से कंटूर यूज करूंगी। आई एम टेकिंग दिस वन, दिस इज द कंटूर जिसको मैं एक ब्रश लूंगी। आई टेक इट डैब इट कि हमारा फेस अगर फ्लफी है तो थोड़ा सा उसमें कटिंग आए और हमारा फेस थोड़ा पतला दिखे। पर जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगी कटिंग, मैं हल्की कटिंग रख रही हूँ। हम अपनी आईलेट्स बिकॉज हमने आईज पर आई शेडो लगाया है तो हम अपनी लोअर लाइन पर हल्का सा आई शेडो लगाएंगे, सेम आई शेडो जो हमने ऊपर लगाया है। एंगुलर ब्रश ले रही हूँ ऐसा और मैं जो मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया था ये वाला मैं इसको हल्का सा लूंगी और बहुत हल्के हाथ से मैं अपनी इसको लोअर लैश लाइन के नीचे लगाऊंगी। इससे क्या होता है हमारा लुक बहुत अच्छा आता है, हमारी आईज का लुक बहुत अच्छा आता है अगर हम जो आई शेडो ऊपर लेते हैं उसको ही हम हल्का सा स्मच करें नीचे। Now we will just apply some eyeliner, Sugar Cosmetics का Gloss Bloss 24 hours liner लूंगी। बाद में थोड़ा मस्कारा लगाऊंगी जिसके लिए मैं ये एसेंस का गेट बिग लैशेस वॉल्यूम बूस्ट मस्कारा यूज करूंगी, दिस वन। इफ यू लाइक टू पुट काजल यू कैन यूज, इफ यू डू नॉट लाइक टू हैव काजल प्लीज डू नॉट हैव, बट आई लाइक काजल सो आई एम यूजिंग दिस शुगर का कोल ऑफ ऑनर इंटेंस काजल ब्लैक आउट, दिस वन। शुगर का ये काजल अपनी लोअर वाटर लाइन पर लगाऊंगी। नाउ आई विल हाईलाइट माय फेस विद दिस Maybelline फेस स्टूडियो क्रोम इन द शेड 100 मोल्टन गोल्ड। मैं ये Maybelline का हाईलाइटर यूज करूंगी। सबसे पहले हाईलाइटर हम अपनी चीक बोन्स पर लगाते हैं। Just have a brush. I do not prefer to taking a fan brush. Thoda lungi and this part. Or I can use a finger also. This on the higher cheekbones. On the other side also. This one. And we just put it in the inner corners of the eyes.
इनर कॉर्नर्स में इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारी आंखें और थोड़ी बड़ी दिखे और थोड़ी ब्राइट दिखे। आई एम अप्लाइंग इट हियर। एंड गाइस, इफ यू डू नॉट हैव अ हाइलाइटर, तो हमेशा आपकी आई शेडो पैलेट में कोई गोल्डन थोड़ा शिमर वाला कलर या सिल्वर थोड़ा शिमर वाला कलर होगा, तो आप उसको भी एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर अपनी आईब्रोज के नीचे लगाएंगे जिससे कि हमारी आईब्रोज थोड़ी एनहांस हो जाए। जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक शुगर के लिपस्टिक, इट्स इन द शेड 08 जैक पीचर। सो आई एम डन विद द मेकअप, प्लीज चेक दिस आउट एंड लेट मी जस्ट मेक माय हेयर एंड देन आई विल कम टू यू सून।